गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 10 जनवरी और आज के सेशन में 10 जनवरी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना या फिर जापान? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है कि सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा जो कार्यक्रम है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे सहर्ष जो कार्यक्रम है इसका संबंध है शिक्षा से और इसकी जो शुरुआत है ना वो त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो त्रिपुरा सरकार ने शिक्षा के लिए सहर्ष कार्यक्रम की शुरुआत की है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरुआत की। इसे अगस्त 2022 में 40 विद्यालयों में एक परीक्षण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन ये समय सुर्खियों में है क्योंकि अब इसे सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए ये जो कार्यक्रम है ना फिर से सुर्खियों में आ गया है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सहर्ष जो कि शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है ये किसने शुरू किया था? त्रिपुरा सरकार ने। फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बच्चों को उल्लास एवं उत्साह पूर्वक पढ़ाई करने में सक्षम बनाना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक यानी कि जो प्रदर्शन इंडेक्स है के अनुसार जो वर्तमान में त्रिपुरा ग्रेट फर्स्ट समूह में शामिल है। ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं शिक्षा से संबंधित प्रश्न। संविधान क्या कहता है शिक्षा के बारे में? तो देखिए, 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। कौन सा भाग है? तो याद रखेंगे संविधान का भाग 3। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किसने किया? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो भारत में जो शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। सर्व शिक्षा जो अभियान है इसकी शुरुआत 2000 या 2001 में की गई थी। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? इनका नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। बात की जाए शिक्षा से संबंधित अन्य प्रश्नों की तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप सभी याद रखेंगे, पहली आती है 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति आती है 1986 में और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है ये 2020 में लागू की गई है। समिति इससे कौन सी संबंधित है? तो याद रखेंगे कस्तूरी रंगन समिति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये था शिक्षा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। अन्य राज्यों द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं? किस राज्य सरकार द्वारा उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स, ये जो योजना है ये काफी सुर्खियों में रही थी और इसे मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई थी। हिम पहरी जो योजना है ये शुरू की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा।
स्माइल जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, स्माइल योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये भी सुर्खियों में रही थी और इसकी शुरुआत हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो मैप में आप सभी त्रिपुरा की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है त्रिपुरा। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो याद रखेंगे त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अलावा याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। त्रिपुरा के वर्तमान में सीएम कौन है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की जो थीम है इसकी लॉन्चिंग कर दी गई है और 2023 की जो थीम होगी वो होगी वैश्विक खुशहाली के लिए वैश्विक विज्ञान। याद रखेंगे आप सभी, क्योंकि कुछ ऐसे दिवस हैं जिनकी थीम बहुत महत्वपूर्ण रहती है, जैसे योगा दिवस, पर्यावरण दिवस और ओजोन दिवस। तो इनकी जो महत्वपूर्ण थीम है ना, इनके बारे में आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे, खासकर 2022 वाली, है ना। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री वर्तमान में कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है और इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम की लॉन्चिंग की गई। वैश्विक खुशहाली के लिए वैश्विक विज्ञान ये थीम है। विषय का चयन वैश्विक संदर्भ में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किया गया है। आप सभी जानते होंगे कि देश के भौतिकी विज्ञानी जिन्हें हम सीवी रमन के नाम से जानते हैं, रमन प्रभाव की खोज की याद में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण डे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को याद रखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय सेना दिवस। 19 जनवरी को मनाते हैं एनडीआरएफ का स्थापना दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 30 जनवरी को याद रखेंगे आप सभी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। आगे जान लेते हैं WHO के बारे में। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में आता है और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस जो कि इथियोपिया के रहने वाले हैं। सदस्य देशों की संख्या WHO में वर्तमान में 194 है। अगला सवाल है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इंडोर स्टेडियम की आधारशिला किसने रखी है? तो फ्रेंड्स राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इंडोर स्टेडियम की जो आधारशिला है ना, वो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा रखी गई है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। साथ ही में आप याद रखेंगे कि हाल ही में जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, इनके द्वारा कहा गया था कि सरकार खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत देश भर में 1000 केंद्र खोलने की योजना की तैयारी कर रही है, जिसमें से 750 केंद्र खोले जा चुके हैं फ्रेंड्स, है ना। कितने खोले जाएंगे देश के अंदर? तो 1000 खोले जाएंगे, ये संख्या आपको याद रखनी है। अब डिस्कस कर लेते हैं देश के प्रमुख स्टेडियम के बारे में।
ब्रेबोर्न जो स्टेडियम है फ्रेंड्स, ये मुंबई महाराष्ट्र में आता है। बानखेड़े जो स्टेडियम है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। नेहरू स्टेडियम अगर पूछे तो याद रखेंगे पुणे में है। इकाना स्टेडियम कहाँ पर आता है तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। होलकर स्टेडियम याद रखेंगे इंदौर मध्य प्रदेश। कप्तान रूप सिंह जो स्टेडियम है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में आता है। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल जो स्टेडियम है ये तिरुवनंतपुरम में है। लाल बहादुर शास्त्री जो स्टेडियम है ये हैदराबाद तेलंगाना में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है तो ये भी हैदराबाद तेलंगाना में है। मौलाना आजाद स्टेडियम क्रिकेट कहाँ पर है तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। शेर ए कश्मीर स्टेडियम ये भी श्रीनगर में आता है। और अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम ये भी आपका कहाँ पर है तो ये नई दिल्ली में है फ्रेंड्स, है ना। अब आप मुझे बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जो क्रिकेट स्टेडियम है ये किस राज्य में है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जापान बीर गार्जियन अभ्यास 12 से 26 जनवरी तक कहाँ पर होने वाला है। तो पहला सवाल याद रखेंगे कि जो वीर गार्जियन अभ्यास है ये भारत जापान के साथ करता है और 12 से 26 जनवरी तक इसका आयोजन होगा जापान में। कहाँ पर होगा फ्रेंड्स, तो याद रखना है आप सभी को ये जो अभ्यास है ना ये जापान में होगा। अब ये जापान में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा तो वो जगह आपको याद रखनी है हायाकुरी हवाई पट्टी। ये आप याद रखेंगे ये कहाँ पर आती है तो ये जापान में आती है और यहीं पर भारत जापान के साथ इस अभ्यास का आयोजन करेगा। अब डिस्कस कर लेते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के बारे में जिसमें भारत भाग लेता है। गरुड़ शक्ति याद रखेंगे ये भारत इंडोनेशिया के बीच होती है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। शक्ति युद्ध अभ्यास भारत फ्रांस के साथ करता है। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के साथ करता है। वज्र भारत भारत अमेरिका के साथ करता है। और एलिफेंट जो युद्ध अभ्यास है ये भारत मंगोलिया के साथ करता है। एक्वेरियन जो युद्ध अभ्यास है ये भारत मालदीव के साथ करता है। सूर्य किरण एक्सरसाइज का आयोजन भारत नेपाल के साथ करता है। मालाबार जो युद्ध अभ्यास है इसमें 4 देश भाग लेते हैं, भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अजय वॉरियर जो युद्ध अभ्यास है ये भारत इंग्लैंड के साथ करता है फ्रेंड्स। संपीर्ति का आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और खंजर जो एक्सरसाइज है ये भारत किर्गिस्तान के बीच होता है। अब आपको बताना है कि जो अल नजा एक्सरसाइज है, अल नजा युद्ध अभ्यास ये भारत किसके साथ करता है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। डिस्कस करेंगे जापान के बारे में तो मैप में आप सभी जापान की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो और टोक्यो किस द्वीप पर आती है तो होन्सू द्वीप पर आती है। जापान की मुद्रा को एन कहते हैं और जापान की संसद को कहते हैं डाइट। जापान के वर्तमान में पीएम कौन है तो इनका नाम है फुमियो किसिदा। ये नाम आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे। साथ ही में याद रखेंगे कि जो जिमैक्स युद्ध अभ्यास है ये भी भारत किसके साथ करता है तो जापान के साथ करता है। और मालाबार 2022 का आयोजन जिसमें भारतीय सेना ने भी भाग लिया था, मालाबार 2022 कहाँ पर हुई थी तो फ्रेंड्स ये भी जापान में ही आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के इस्तेमाल को किस देश ने मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स ये जो टीके को मंजूरी दी गई है ना वो अमेरिका के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? अमेरिका ने इस टीके को मंजूरी दे दी है। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी टीके के बारे में। तो देखिए अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यह टीका अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए बनाया गया है। और फ्रेंड्स इसकी जो खोज है ना ये भी अमेरिका में ही की गई थी और अमेरिका ने ही टीके को मंजूरी दी है। यह ऐसी बैक्टीरियल कंडीशन है जो मधुमक्खी के लावा पर हमला करके कॉलोनीज को कमजोर करने के लिए जानी जाती है, जिसके लिए अमेरिका ने अब टीका लॉन्च कर दिया है। तो याद रखेंगे किसने लॉन्च किया है? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है। फ्रेंड्स इस तेल से क्या होगा?
इसमें धुआं कम होगा। और ये जो तेल है ना, सेना के लिए लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? जो हमारी सेना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ऊंचाई वाले स्थान पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है इसका लेवल काफी कम होता है, जिससे धुआं बहुत होता है ना। तो जो केरोसिन है यानी कि मिट्टी का तेल, उसमें क्या होता है फ्रेंड, ज्यादा धुआं होता है, जिससे हमारे सेना के स्वास्थ्य के लिए वो काफी हार्मफुल रहता है। तो कम धुएं वाला जो तेल है ना, ये लॉन्च किया गया है भारत पेट्रोलियम के द्वारा। किसने ये लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना है, इसकी घोषणा की गई है भारत पेट्रोलियम के द्वारा। अब डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, भारत पेट्रोलियम के बारे में। तो देखिए, BPCL का जो मुख्यालय है वो मुंबई में आता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1952 में की गई थी। उसके वर्तमान में CMD है जी किशन कुमार। BPCL के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी बनी है। कौन सी कंपनी बनी है, तो BPCL कंपनी बन गई है। कमेंट्स करके बताएंगे कि वर्तमान में भारत में कितनी कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। अगला सवाल है कि भारतीय ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत किस देश को 500 बसों की आपूर्ति की जाएगी। तो फ्रेंड्स, भारतीय ऋण कार्यक्रम के तहत श्रीलंका को, किसको? श्रीलंका को 500 बसों की आपूर्ति की जाएगी, जिसमें से भारत ने 75 बसों का पहला बेड़ा श्रीलंका को सौंप दिया है। फ्रेंड्स, इन बसों को ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति के अनुरूप बनाया गया है। अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि याद होगा आप सभी को, जो पैट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो भारत है, भारत ने नेपाल को कितनी एम्बुलेंस उपहार में दी है ना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बसों का बेड़ा है ये भारत ने किसे दिया है, तो ये श्रीलंका को दिया है। जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका, ये फ्रेंड छोटा सा आप देखेंगे, ये है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में याद रखना है कि 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है वो श्रीलंका करेगा। श्रीलंकाई के एक लेखक हैं जिनका नाम है सेहान करुणातिलक। इनके एक उपन्यास को 2022 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत ने श्रीलंकाई नौसेना को डोनियर जो समुद्री विमान है, इसे उपहार में दिया है। और इस विमान का निर्माण किसने किया था, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। श्रीलंका के जो वर्तमान में PM है यानी प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है दिनेश गुणवर्धने। प्रेसिडेंट याद रखेंगे रानिल विक्रम सिंधे हैं। श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, एक है कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे। श्रीलंका की मुद्रा है, इसे हम कहते हैं श्रीलंकाई रुपया। तो फ्रेंड्स, ये थी श्रीलंका के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अगला सवाल है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, इनका नाम है सुरिंदर चावला, जिन्हें पेटीएम पेमेंट्स बैंक का प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनकी जो नियुक्ति है वो 3 सालों के लिए की गई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक भारतीय भुगतान बैंक है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा में है। अगला सवाल है कि किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहा सिंह ने बर्मिंघम में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर 15 का जो खिताब है ये जीत लिया है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे अनाहा सिंह जो है ये भारतीय प्लेयर है। किस देश से ये संबंध रखती हैं, तो भारत से फ्रेंड्स, है ना, ये भारत की है। इन्होंने फाइनल में किसको हराया है, तो इन्होंने फाइनल में मिस्र की सोहेला हजीम को हराकर यह खिताब जीत लिया है। फ्रेंड्स, बात की जाए इस टूर्नामेंट की, तो ये ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट हर साल जनवरी में ब्रिटेन में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि ये स्क्वैश जो खेल है ये क्या है, तो ये एक रैकेट खेल है जिसे दो खिलाड़ी या डबल्स के लिए 4 खिलाड़ी एक छोटी खोखली रबड़ के गेंद से 4 दीवारों वाले कोर्ट में खेलते हैं, जैसा कि आप सभी इस पिक के माध्यम से समझ सकते हैं। और साथ ही में याद रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा यह गेम मान्यता प्राप्त है। अगला सवाल है कि इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 जो सम्मेलन हुआ है, इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किसने किया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो उद्घाटन है ना, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है।
याद रखेंगे 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसकी मेजबानी इंदौर कर रहा है, इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश। पूछा जा सकता है कि इसमें मुख्य अतिथि कौन है, तो अतिथियों के नाम आपको याद रखने हैं, सूरीनाम के प्रेसिडेंट जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुआना के राष्ट्रपति जिनका नाम है इरफान अली। ये दो नाम आप सभी को याद रखने हैं। आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो इंदौर में, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी थीम क्या है या इसका विषय क्या है, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार हैं, ये इस बार की इसकी थीम है। अगला सवाल है कि किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है, तो फ्रेंड्स भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। किसे छोड़ दिया है, जापान को। पहले नंबर पर कौन आता है ऑटो बाजार में, तो चाइना आता है, और दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स आता है कौन, अमेरिका। तो याद रखेंगे तीसरे नंबर पर अब जापान की जगह कौन आ गया है, तो भारत आ गया है। भारत ने किसे पीछे छोड़ दिया है, जापान को। ये जो रिपोर्ट है ये किसने प्रकाशित की है, तो निक्केई एशिया के द्वारा यह आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। साथ ही में याद रखेंगे कि कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी जो इकोनॉमी बना है ना, वो भारत बना है। किसे पीछे छोड़ते हुए, तो ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए। कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। G20 की पहली बैठक 31 जनवरी 2023 को कहां पर होने वाली है, तो ये बैठक होगी पुडुचेरी में। पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की जो मेजबानी है ये कौन करेगा, तो ये जो मेजबानी है ना ये हैदराबाद के द्वारा की जाएगी। किस राज्य सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है, बिहार। केविन मैकार्थी किस देश की प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, अमेरिका। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर एक नई पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है, संजीव सान्याल। 12 से 16 जनवरी 2023 तक पशुराम कुंड जो उत्सव है ये कहां पर होगा, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की संस्कृति भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित की है, तो ये कहां के लिए की गई है, लद्दाख के लिए। खबरों में रहे वाल्टर कनिंगम का संबंध किससे है, तो ये एक अंतरिक्ष यात्री है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय मानव ब्यूरो का 76वां जो स्थापना दिवस है ये कहां पर मनाया गया है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा वन बी वन लैब अभियान जो है इसका शुभारंभ किया गया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव 23 और 24 जनवरी को कहां पर होने वाला है, नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स ये था कल का करेंट अफेयर, अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप स्टैटिक जीके क्वेश्चन। कुक जल डमरू मध्य न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिणी द्वीपों को अलग करता है। मलक्का जल डमरू मध्य ये किसे अलग करता है, तो अंडमान सागर दक्षिणी चीन सागर को अलग करता है ना, जोड़ता है। याद रखेंगे आप सभी किसे जोड़ता है, तो अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। सुंडा जल डमरू मध्य ये जावा सागर और हिंद महासागर के बीच है। डोबर जल डमरू मध्य ये अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर के बीच है। कनाडा की जो राजधानी है फ्रेंड्स ये क्या है, तो याद रखेंगे ओटावा है। रूस और अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती है, बेरिंग जल संधि। विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है, एकांक गोवा। विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है, प्रशांत महासागर का अग्निवलय क्षेत्र। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य कौन सी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत सेल को क्या कहते हैं, तो इसे मैग्मा के नाम से जाना जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर। खेलो इंडिया युवा गेम्स में पहला जो स्वर्ण पदक था ये किसने जीता था, काजोल सरगर ने। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है, बिहार में। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, तालाब। सही आंसर था ऑप्शन डी। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, हरे पादप।
अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? किस राज्य के गेटो सोरा ने टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? संविधान के किस आर्टिकल द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।